लफड़ा हो गया पुलिस के साथ। इसकी डमन तो देखो बच्चा लोग मिल गया। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल 90s की डमन। कैसे हैं आप सब? तो आज है अपना इंडिपेंडेंस डे 2K23। अब बंदा लोगों देख लो, सबको फ्लैग लेके आया। मेरे पीछे भी फ्लैग दिख रहा है आपको, मैंने बैग में कैरी किया है। तो चलो आज का राइड शुरू करते हैं। आज हम लोग का KTM अर्बन एस्केप इंडिपेंडेंस डे राइड होने जा रहा है। अभी हम लोग शोरूम में है, पूरा बाइक का भरमार। तो जल्दी जल्दी राइड शुरू करते हैं, व्लॉग में बने रहो। VIP तक थोड़ा उसके बाद थोड़ा रास्ता में, जब भी हाईवे में थोड़ा सा हम लोग को ब्रॉड रोड मिलेगा तो हम लोग थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे। तो फाइनली हम लोग का ब्रीफिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग निकल रहे हैं राइड के लिए। तो अब हम लोग का फ्लैग ऑफ हो रहा है। बेसिकली एक रिचुअल्स होता है कि कोई भी राइड शुरू होने के पहले एक थोड़ा सा मतलब फ्लैग ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है, एक राइड को इनॉग्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं ये करते हो गए तो थोड़ा कैमरा में पोज देते हुए हम निकल जा रहे हैं अपना डेस्टिनेशन को, जो है मंदारवी का। हवाई लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा है मंदारवी का इको रिजॉर्ट, बहुत सुंदर रिजॉर्ट है। सुना हूँ मैंने, देखा है थोड़ा गूगल करके, क्योंकि मैं पहले कभी गया नहीं था तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा जाने का। देखिए जाएंगे, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस दिलाएंगे। एंड थोड़ा गर्मी आज ज़्यादा है वैसे, इसलिए मैं एक हाथ में पहना हूँ एक हाथ में ग्लव्स नहीं पहना हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मोबाइल एंड ऑल यूज़ करना पड़ रहा है बेसिकली फ़ोन यूज़ करने के लिए। मिरर को थोड़ा सेट किया जाए क्योंकि हम अभी सिटी रोड में हैं बेसिकली, एंड मिरर पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है, ये देख के चलाना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये रहा अपना KTM का गैंग, इसका झंडा थोड़ा मैलफंक्शन कर रहा है, झंडा सबको ही लगा के है। भैया न्यू टाउन होके जाइएगा कि लेक टाउन होके? मैप भेजा है लेकिन दोनों तरफ से जा सकते हैं। ना ना, वो पुलिस वाले अंकल को थोड़ा सा गलत फहमी हो गया था। और देखो क्या मस्त साइकिलिंग हो रहा है इधर पे, वाव साइकिल डे। एंड देश का तिरंगा लहरा रहा है और इसका भी वीडियो मैं थोड़ा सा आपको शेयर करूंगा, मैंने कल रात को जाके लिया था, क्या अल्टीमेट लुक आ रहा था इसका। अभी भी अच्छा लग रहा है, आलीशान लग रहा है, लेकिन रात का तो कुछ अजब ही लुक। अपना विश्वा बांग्ला सरणी, यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया है पुलिस के साथ, लफड़ा पता नहीं क्या हुआ है। अपना सारा भाई लोग, वाव आज कुछ ह्यूज राइड हो रहा है, अलग लेवल का राइड हो रहा है। ओ अभिषेक आए, अभिषेक भाई है, सभी को यहाँ वेट कर रहा था। तो दोबारा से अपना राइड का शुरुआत हो चुका है, फाइनली जाके हम लोग इतना घूम घुमा के राइड करना शुरू किए हैं। और देख लो पूरा ऑरेंज गैंग अल्टीमेट। देखो कितना अच्छा जेस्चर है लोगों की तरफ से, मस्त लोग हमें वेव ऑफ कर रहे हैं, यही तो चाहिए अपने को बस, और क्या है कि ऐसे पब्लिक सपोर्ट करे। क्योंकि गाइस क्या है ना, बाइकिंग को ज़्यादातर लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अब बाइकिंग कल्चर हम लोग यार इंडिया में क्या कोलकाता इंडिया सभी जगह आ रहा है, सबको अप्रिशिएट कर रहा है इस चीज़ को। अब हम फाइनली आ चुके हैं अपना हाईवे, देख लो NH2 रोड, बहुत टाइम लगा, पता नहीं इतना घुमा के लाने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया इन लोगों का, लेकिन ठीक है अब अपना अपना पॉलिसी है तो सबको साथ में जब लेके जाना है तो
तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही, सभी को होगा। अब हम दानकुनी का मोड़ से घूम रहे हैं, थोड़ा सिटी सिटी रोड आ गया, नैरो नैरो रोड आ गया, तो अब हमारा रिजॉर्ट बहुत ही पास है। ऐसे ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, हुगली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। हमें चैनल का नाम है 90s Kid Aman। तो देखो बच्चा लोग मिल गया है, देखना 90s Kid Aman। बाबू लोग मिल गया, सीधा सीधा चलो। अरे मैं थोड़ा सा रुका था GoPro का बैटरी चेंज करने के लिए, अचानक से बंद हो गया। चंपाडांगा, आरामबाग, धनाखाली एंड खानाखूल। वाह, वेलकम टू चंडी तला चंपाडांगा रोड। अब मतलब हमें सिंगल लेन हाईवे मिलने वाला है, इसका मतलब यही है। तो चलो स्लोली स्लोली कंटिन्यू करते हैं राइड। क्या हड़बड़ी, अपने को हड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ पूरा सभी को ही लग रहा है हॉल्ट लिया है। कैमन आज बाबू? हेलो, ठीक है ठीक है। बाबू देख के खूब खुश अपनी बेला को। देखो भैया रुका के मेरे को पर्सनली फोटो ले रहे हैं, बोले तो फोटो लेना जरूरी है। ठीक है, एकदम गांव वाला इलाका से हम एंटर कर रहे हैं। देखो बेर बकरी गाय छोटी छोटी। अरे फाइनली मैं पहुंच गया एंड चलो बेला को रखना होगा एकदम बहुत ठंडा वाला जगह में। बाबू लोग ने घेर रखा है। अच्छा लग रहा है बाइक? क्या बाइक है ये? हाँ क्या बाइक है ये बताओ तो। KTM का है। अच्छा लगता है ये बाइक? तो हम लोग आ चुके हैं मंदारिका। थोड़ा गांव-गांव टाइप वाला फीलिंग है, बहुत माने ग्राउंड जीरो पे। देखो ये पूरा ग्राउंड जीरो पे आ चुका है एंड ऐसे कुछ हम लोग एंटर कर रहे हैं, इस टाइप का रिजॉर्ट है। चलो एंड थोड़ा बहुत आपको व्यू अब सिनसिनाटी में देखने मिलेगा। पहले मैं थोड़ा सा सेटल डाउन होता हूँ, फिर आपको एक ओवरव्यू दूंगा। कितना चार्जेस है भैया रूम का? 2500 चलो अब वो टाइम आ चुका है कि आपको रूम का टूर देते हैं। छोटा सा रूम है एंड ये नॉन एसी है, बस इसमें एसी लगा दोगे तो एसी हो जाएगा। ठीक है, अभी एसी वाला खाली नहीं है तो चलो दिखाते हैं। अब ये एम्बियंस देख लो क्या सुंदर। और मैंने ये ताला खोला है पहले तो एंड लाइट भी जला के रखा है ऑब्वियसली। एंड अब दिखाते हैं बाथरूम। ओ लवली क्वालिटी, अगर मैं आपको दिखा पाऊं अच्छे से तो ये कुछ अलग ही टाइप का टेक्सचर किया हुआ है एंड टॉयलेट भी बहुत सुंदर एंड छोटा सा अपीलिंग। एंड ये भी पूरा मिट्टी वाला आइटम का है, मतलब ये सिरामिक नहीं है, ये मिट्टी का आइटम यूज किया गया है, तो बहुत सुंदर, थम्स अप। तो कैसा लगा रूम? बहुत सुंदर एम्बियंस है और बेड भी दो दो बेड दिया है, मास्टर बेड टाइप है, तो मजा आता है मेरे को बेड चेक करने में। ऐसी मजा आता, लेकिन बहुत हार्ड है, वैसे लग गया थोड़ा सा। एंड यहाँ पे शायद से जिन लोगों ने कर रखा है पेंटिंग उनका सब नाम एंड नंबर दिया हुआ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एंड ये देखो क्या सुंदर लग रहा है, बहुत सही रूम। थोड़ा सा डल लाइट विंग पे है, लेकिन आप अगर इंटीरियर देख सकते हो तो पूरा, मतलब आप ग्राम इलाका में हो तो आपको उस तरह का ही मिलेगा। देखो यहाँ पे इस तरह का कुछ चीज़ में टॉवल्स रखा हुआ है एंड यहाँ पे वार्डरोब है एंड यहाँ पे जग वगैरह देख लो, रियल मिट्टी का जग एंड पानी है, यहाँ बॉटल भी है एंड
ये मैं थोड़ा व्लॉग कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब खाने का टेबल पर बैठा जाए एंड खाने पीने का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अरे खा रहा है विंकी रसगुल्ला खा रहा है। सो गाइस चलो अब वो पल है जिसका सभी को इंतजार रहता है, टाइम ऑफ एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन का टाइम आ चुका है, अब पहले भाई से मिल लेते हैं। भाई ने भी रिसेंटली व्लॉग करना स्टार्ट किया है, कमेंट करता था भाई तो मैं उतना पहचानता नहीं था, लेकिन कॉमन फ्रेंड के वजह से आया। अभिषेक भाई का फ्रेंड है, भाई का भी चैनल है, भाई का चैनल का नाम बता दो, डार्क पैंथर 969 गाइस। तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप देख लेना। बहुत अभी फ्रेश कंटेंट स्टार्ट किया है, बहुत ठहराव से बात करते हैं, जैसे मैं जोश में बात करता हूँ बहुत ठहराव से बात करता हूँ। प्लीज एक बार कंटेंट चेकआउट करो एंड प्यार बरसाओ। एंड मेरा सर्टिफिकेट का टाइम आ गया है। दीदी सर्टिफिकेट कहाँ दे रहे हो? नहीं दे रहे हो, भाग जा रहे हो आप। ये देखो भाग जा रहा है, ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, देखा? तो हम दिखा देगा आदमी को। I've been riding since 2019. This was my first month as a sports machine because I like sports machine since childhood. So I purchased one day. He joined the KTM Orange Day ride. That time I thought I normally ride. It's like just casual ride or some meet and greet. But after conducting that ride, I realized that riding is different. मतलब this concept is only totally different. So I realized that I need to improve in some points, like in riding gears. I didn't have any riding gears and in no idea also about riding gears. Only I knew that I need a helmet and a helmet and a shoes to look good. That's not natural. So you can also judge in that way. A customer since 2019 is coming to this ride till 2023. So this is a huge achievement for KTM itself. And myself also, because I have also learned many things and I've enjoyed, first of all I've enjoyed, and I've started my vlogging career also by watching this type of craze and fun, that's why. And my channel name is 90s Kid Aman, please follow me, and I create motor vlog content, bike reviews and lifestyle. So guys dekh lo Neelam bro, बहुत आवाज है इधर पे, लेकिन मैं जल्दी में शॉर्ट करके बता देता हूँ। भाई लोग मेरा बेला को घेर के, बेला की वजह से आज ये रिसीव हुआ है मेरे को, तो अल्टीमेट फीलिंग हर बाइकर की जिंदगी में। देख लो भाई बोल रहा है बाइक हेवी है, बाइक को बहुत अच्छा लगा। तो आज का जो व्लॉग है थोड़ा सैडी सैडी वे में एंड होने जा रहा है, ठीक है। हर दिन अच्छा नहीं होता, वैसे भी हम लोग वेज खाने वाले थे क्योंकि अभी सावन चल रहा है एंड वेज खाना में थोड़ा दिक्कत था, और ठीक है मूड सभी का खराब हो गया तो कोई खाया नहीं ठीक से, सब निकल गए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। इसी नोट पे व्लॉग को एंड किया जाए, आपने अगर व्लॉग देखा अच्छे से यहाँ तक तो बहुत बहुत थैंक यू एंड ठीक है, तब तक के लिए राइड हार्ड लिव फ्री, बाय बाय गाइस।